हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम्स है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं दही के फ़ायदे लेके आई हूँ। दही जो होता है ना, वो सेहत के साथ साथ, सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है, साथ में स्किन के से की भी कई तरह के प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में हेल्पफुल होते हैं। और ख़ास बात यह है कि दही जो होती है, हर टाइप की स्किन टाइप आप कोई भी हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, किसी भी तरह के स्किन स्किन के कोई भी टाइप हो, आप दही फ़ायदा ही करती है। दही जो होता है ऑयली स्किन से लेकर ड्राई स्किन के लिए, सभी इस तरह के स्किन के लिए फ़ायदेमंद होती है। ये चेहरे के पिंपल्स को दूर करने में भी हेल्प करती है, और दही जो होती है वो स्किन को नमी भी पहुंचाती है। आइए जानते हैं दही का यूज़ कैसे करना है। बट आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें, सो डेट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दही से आप सिर्फ दिन भर में सिर्फ 5 से 10 मिनट हल्के हाथों से अगर मसाज करते हैं चेहरे पे और गर्दन पे, तो इससे स्किन पर जो गर्मी, धूप या लू का कोई असर इससे स्किन पर नहीं होगा। और आपको सिर्फ 2 चम्मच दही की ज़रूरत होगी इसके लिए। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखें कि इस चेहरे पे स्क्रब या मसाज करने से पहले, दही यूज लगाने से पहले, अप्लाई करने से पहले चेहरे को वॉश जरूर कर लें। पहले वॉश कर लें, देन कोई फेस पैक अप्लाई करें या दही अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन पूरी तरह क्लीन हो जाएगी, और किसी भी तरह की गंदगी है तो मसाज के दौरान वो स्किन के अंदर नहीं जाएगी बल्कि बाहर निकल जाएगी। दही से आप क्लींजिंग बना सकते हो, दही से आप स्क्रबिंग कर सकते हो, दही से आप मसाज कर सकते हो, इवन दही से फेस पैक भी तैयार कर सकते हो। तो पहला अगर बात की जाए तो दही से क्लींजिंग कैसे करना है, तो इसके लिए आपको कोई भी फेशियल लगाने से पहले पहला स्टेप तो होता है क्लींजिंग का होता है, तो इसके लिए आपको दही की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप थोड़े से दही को हाथों में ले लें और उसे फेस पे लगाएं, और फिर फेस पे लगाते हुए ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते रहें, धीरे धीरे मसाज करें। और इसके बाद आप कॉटन के कपड़े से या रुई के हेल्प से इसे साफ़ कर दें, तो इसे दही से क्लींजिंग हो जाएगा आपका। दही से स्क्रबिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा चावल का आटा, तो आपको स्क्रबिंग के लिए दही और चावल के आटा को मिलाना है, और इस पेस्ट को लगभग 5 मिनट तक के लिए हल्के हाथों से अपने फेस पे स्क्रब करना है। स्क्रब करने से फ़ायदा ये होगा कि जो चेहरे की गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। तो दही से आप, दही और चावल के आटे का यूज़ करके आप इजीली स्क्रबिंग कर सकते हो घर पे। दही का फेशियल करने के तो ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इससे चेहरा बहुत निखरता है। बट फेशियल में मसाज भी बहुत ज़रूरी होता है। मसाज इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इससे बेहतर होता है। तो फेशियल करने से पहले आप क्या करें, पहले तो क्लीनिंग कर लिए, स्क्रबिंग कर लिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि दही में जैतून का तेल या फिर बादाम का तेल मिला करके मसाज करना है अपने फेस पे। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। अगर बहुत ज़्यादा मुहासे निकलते हैं तो आप दही में हल्दी पाउडर और एरोवेरा जेल मिलाकर के यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दही लेना है, और दही को अलग से पहले फेंट लेना है, सिर्फ दही को फेंट लेना है। जब भी आपको लगे कि हाँ एक पूरा मिल गया है, स्मूथ पेस्ट बन गया है, देन आप इसमें हल्दी ऐड करें और उसके बाद इसमें एलोवेरा जेल ऐड करें और इन सबको मिला दें इसे, और उसके बाद फेस पे अप्लाई करें। कुछ देर सूख जाने के बाद फेस को धो लें। इस फेस पैक से स्किन
को गहराई से साफ करता है। ये फेस पैक जो होता है स्किन को गहराई से साफ करता है और स्किन को नमी होता है, और जब स्किन फटने की जो प्रॉब्लम होती है वो इस फेस पैक से नहीं होगी, और फेस में बहुत ज़्यादा से नमी आ जाएगा और स्किन भी नहीं करेगा इसे। अब जान लेते हैं दही से स्क्रबिंग मसाज करने के बाद फेस पैक कैसे तैयार करें, जो कि कई दही से जो फेस पैक होते हैं उसके हेल्प से चेहरे की कई तरह की जो प्रॉब्लम्स है उससे बचा जा सकता है। और इसे बनाने के लिए आपको दही में फेस पैक बनाने के लिए दही में जस्ट आपको कॉफ़ी मिलाना है। दही में कॉफ़ी मिला करके एक पेस्ट तैयार करें और 15 से 20 मिनट तक के लिए अपने फेस पे लगा दें। इससे चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर आप रात में सोने से पहले ऐसा करते हो तो चेहरे में निखार और भी ज़्यादा आएगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।